बबली भाई मुझे सूचित कर दिए हैं कि 45 मिनट में साइकिक बीइंग और सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना है। शॉर्टकट तो एक ही है, वो है माँ। वो तो बहुत सुंदर ढंग से ग्रंथी भाई हम लोगों को बता दिए हैं। तपस्या शब्द से मन में बहुत सारे भाव उठते हैं, पहाड़ से कुछ छोड़ देना, भोजन छोड़ देना, वस्त्र छोड़ देना, संसार छोड़ देना। परंतु हम सब कुछ छोड़ भी देते हैं तो प्रकृति हमारे साथ चलती है और सारी समस्या वहीं पर है। इसलिए शेरविंद सब तपस्या शब्द को कहते हैं कंसंट्रेटेड एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल एंडेवर। जब हम अपनी ऊर्जा को, अपने प्रयास को कंसंट्रेट करते हैं आध्यात्मिक विकास के लिए, दैट इज तपस्या। वही ऊर्जा जो हम जीवन में लगाते हैं, वही ऊर्जा जो हम नानाविध गतिविधियों में लगाते हैं, उसी को हमको एक डिफरेंट टर्न दे देना है। इसको मैं एक सिंपल ढंग से, मैथमेटिक्स होता है तो उसमें सारे नंबर होते हैं, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक। आप उसी नंबर के पहले अगर 1 लगा देंगे तो उसका वैल्यू बदल जाता है। तो वही सारे प्रयास हैं जो जीवन में हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी दिशा मोड़ देनी है, उसका लक्ष्य मोड़ देना है, 1 को जोड़ देना है उसके पहले, तो वही प्रयास हमारा तपस्या बन जाता है। और जब हम उसी प्रयास को ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, चाहे हमारा या किसी और का, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने लिए थोड़ी जी रहे हैं, हम तो परिवार के लिए जी रहे हैं, वो एक दूसरा ईगो है। परिवार के लिए थोड़ी जी रहे हैं हम, तो अपने मोहल्ले के लिए, अपना देश के लिए, मानवता के लिए, ये सब ईगो के सूक्ष्म रूप हैं। और एक तो फिर केवल एक है, उसके लिए जीना, वही सारे कर्म, वो तपस्या हो जाता है। और इसको विस्तार से माँ शेरविन ने जगह जगह बताया है, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। जैसा कि हम लोगों ने सुना, इसमें सावित्री में 2 तपस्याएं हैं, एक अश्वपति की, और अश्वपति की तपस्या बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक उच्च चेतना से उन्होंने शरीर धारण किया है, मानव शरीर, और वो अपने तपस्या में आगे बढ़ते बढ़ते जितने भी ट्रेडिशनल योग हैं उनके सारे एक्सपीरियंसेस उनको होने लगते हैं। वो हम लोग बुक 1 में देखते हैं, जितने भी अनुभव हैं निर्वाण की, अलग अलग सूक्ष्म लोकों में भ्रमण करके उनकी जो ऊर्जाएं हैं, उसमें जो बीइंग्स हैं उनसे संपर्क होना, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, इसका जागृत होना, वासुदेवम सर्वमिति, ये सारे अनुभव उनको होने लगते हैं। लेकिन इसके बाद एक ऐसी चीज़ घटित होने लगती है अश्वपति के जीवन में जो सारे योग की धारा मोड़ देती है। इट्स एग्जैक्टली जो शेरविंद के योग में हुआ, एक डिसेंट वो अनुभव करते हैं, वो उनके अंदर एक नई अभिप्सा जागती है। ये अभिप्सा शेरविंद ने हम सबको एक दान दी है। अभिप्सा है कि आत्मा तो शुद्ध है, भगवान का अंश है, लेकिन ये देह जो है इसका हम क्या करें। तो ऑर्डिनरली हम लोग कहते हैं देह है, ये तो जन्मा है, ये मरेगा, जो जन्मा है वो मरेगा, उसका अंत यही है, इसके लिए क्या चिंतन करना। लेकिन उससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि फिर इस देह से हमको बांधा किसने, क्यों बांधा। तो हम लोग कहते हैं कर्मों के कारण। तो कर्म, ओरिजिनल कर्म क्या था, किसने हमको इसमें उलझाया। तो ये सबका उत्तर शेरविंद कहते हैं कि ये बांधा है एक प्रयोजन से, और वो प्रयोजन है कि ये दोनों एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, प्रकृति आत्मतत्व को विकसित करती है और आत्मतत्व का स्पर्श प्रकृति को विकसित करता है। ये वास्तव में जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है इसका गूढ़ सत्य है कि दोनों एक दूसरे को विकसित करें और उस दिशा में ले जाएं। तो यही चीज हमारे जीवन में है। तो लेकिन प्रकृति का विकास कठिन है, आत्मतत्व तो दिव्यत्व को इजीली जान जाता है, सहजता से, एक बार उससे निकला तो वो जान जाता है। लेकिन प्रकृति भी ओरिजिन में दिव्य है किंतु बहुरूपणीय है, उसके अनेकों अनेकों रूप हैं, मेनी मूड्स, और उसमें रूपांतरण लाना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन शेरविंद के अंदर ये अभिप्सा जागती है, अश्वपति के अंदर, कि प्रकृति जिसको हम ओढ़ करके चलते हैं वो भी जो देही है, जो दिव्य है, उसके अनुरूप दिव्य हो। देही तो दिव्य है लेकिन जिस घर में रह रहा है वो उसके अनुरूप नहीं है, भवन नहीं है, वो सुंदर नहीं है,
तो वहाँ से हम देखते हैं कि शेयरविंद अनुभव करते हैं, अशुपति के अनुभव में है डिसेंट ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो उनके पूरे चेतना को रूपांतरित करना प्रारंभ करती है। यहाँ से शेयरविंद का योग अलग होना शुरू होता है और वो ये कहते हैं, मैं बहुत शीघ्रता से क्योंकि समय की सीमा है, तो शेयरविंद के अंदर ये अशुपति शेयरविंद एक ही है एट दिस पॉइंट, उनके अंदर ये अभिप्सा जागृत होती है कि मैं तो ये अनुभव कर रहा हूं लेकिन क्या सारी मनुष्यता ये रूपांतरण अनुभव कर पाएगी? केवल मेरा व्यक्तिगत रूपांतरण काफी नहीं है। वहां से हम देखते हैं कि शेरविंद की योग यात्रा एक नया मोड़ लेती है और वो ये देखते हैं कि मैं, मेरे अंदर ये रूपांतरण प्रारंभ हो गया है मेरी प्रकृति के अंदर, और यदि मैं इस दिशा में चलता रहूं तो ये पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जब वो मनुष्य और पृथ्वी का चिंतन करते हैं तो वो देखते हैं मनुष्य तैयार नहीं है, पृथ्वी तैयार नहीं है। तो कैसे तैयार होगी? एक ही उपाय है, वो है ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर। तो हम देखते हैं कि बुक टू में वो सारे वर्ल्ड्स को लांघते हुए एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक ऐसा द्वार है जिसको किसी ने खोला नहीं है, डोर्स ऑफ द अननोन, सुपरामेंटल गेट। उससे लोग छलांग तो लगाते रहे उधर, लौट के कोई आया नहीं है, और वहाँ पर वो नॉक करके प्रवेश करते हैं। स्टोरी है रियल, बामा खेपा वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल के संत हुए अभी जो बांग्लादेश है। तो किसी ने उनसे श्री अरविंद के बारे में पूछा, वो जीवित थे, दोनों समकालीन हैं। तो बामा खेपा कहते हैं अपने शिष्य को, मूर्ख, तेरे मुख में विष्ठा, मनुष्य के मुख में विष्ठा, तो अपने मुख से वाणी से श्री अरविंद का नाम ले रहा है जिनको मैंने सूर्य के उस द्वार से जाते देखा जहां से कोई वापस नहीं आया। तो श्री अरविंद को इवनिंग टॉक्स में किसी ने ये पूछा, ये प्रकरण है कि वो ऐसा कह रहा था, क्या ये सत्य है? उन्होंने कहा हाँ हाँ, उसने मुझे जाते देखा था, वापस आते नहीं देखा था। उस भूमि से कोई लौट के नहीं आता है, हा हा करे गिरे पड़े, उपनिषद कह देती है ना, हा हा हो, बस उसके आगे आप कुछ कह नहीं सकते, इट्स ए वंडर। तो उस भूमि से वो वापस आते हैं, किसको लेकर आते हैं? ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर। बुक थ्री में हम देखते हैं कि डिवाइन मदर कंसेंट्स, पहले वो भी कहती है मनुष्य तैयार नहीं है, तो शेरविन कहते हैं, अशुपति कहते हैं कि तो आपको आकर तैयार करना होगा। और वहां से शुरू होती है सावित्री की यात्रा। जब शेरविन से किसी ने पूछा कि माता जी का आपके योग में क्या योगदान रहा, कहते हैं ओ माता जी के आने के पहले मैं जो जिस गति से चल रहा था उस गति से मुझे बहुत 10 वर्ष और जो प्राप्त करने में लगते, माता जी ने आकर उसको 1 वर्ष में संभव कर दिया, उनके व्यक्तिगत योग की बात। आगे वो कहते हैं कि माँ नहीं आती तो मैं स्वयं पूर्णता को प्राप्त कर लेता, सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन संसार को और मनुष्य को हेल्प नहीं कर पाता, वो माता जी के आने के कारण संभव हुआ। तो ये है माता जी की तपस्या। सावित्री आती हैं और वो आई ही इसी प्रयोजन से हैं, उसमें बहुत सुंदर ढंग से लिखा है, फॉर मैन दाउ सीकेस्ट। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि सत्यवान को मृत्यु वापस लाना, ये तो मोहमाया है, नहीं, इसको एक दूसरी दृष्टि है। हमारे अंदर एक अमृत तत्व है, एक सोल है, इसको तो सब जानते हैं, और ऊपर जाके एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मृत्यु स्पर्श नहीं करती, ये पुराने योग में लोगों ने रियलाइज किया है। श्वेताश्वतर उपनिषद लिखती है, अंतः शरीर ज्योतिर्मय हो शुभ्रो। लेकिन सत्यवान का वापस शरीर में आना मतलब देह, द लॉज ऑफ फिजिकल नेचर का चेंज होना, ये वो चाहते हैं। और उसमें अगर एक व्यक्ति के लिए संभव होगा तो एक पॉसिबिलिटी खुल जाएगी सबके लिए, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मृत्यु कहती है आप दोनों जाओ ऊपर के जगत में और वहां पर सदा सर्वदा एक दूसरे में मिले रहो, बाउंडलेस सत्यवान इंटू बाउंडलेस सावित्री। लेकिन धरती पर इस मर्त्यलोक में जो देह के अंदर आप अमृत तत्व कैसे खोज सकते हो, ये तो मेरा क्षेत्र है। और ये सावित्री की तपस्या का प्रयोजन है, वो मार्ग खोलना, वो संभावना खोलना। मृत्यु पर विजय का अर्थ है अचित अंधकार, मिथ्यात्व। मृत्यु सबसे बड़ी मिथ्यात्व है, माँ कहती है इट इज ए हैबिट, अचेतनता के कारण आती है। तो उस क्षेत्र में यानी जो शत्रु है उसके गढ़ में जाकर के विजय प्राप्त करना। शत्रु कह देता है कि आप चले जाओ, जैसे कुछ लोग आपने सुना होगा आइसिस इतना
फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से बच के कुछ लोग निकल आते हैं, साधारण नहीं है पर फिर भी अप्रतिम साहस से निकल आते हैं, पर आइसिस के गढ़ में जाकर उनको चेंज करना ये बहुत बड़ी बात है, ये तो साधारणतः सुना नहीं जाता है। माँ ये चाहती हैं कि मृत्यु के गढ़ में, इसलिए इस योग में भागने का विधान नहीं है, विजय की बात है, विक्तो आला दूस में, दैट इज द रीजन कि हमको विजय मृत्यु के गढ़ में प्राप्त करनी है। और कैसे प्राप्त करनी है, हम इसके बीच में हैं लेकिन हम अपने को अंदर माँ से जोड़ के रखे हैं, और वो रास्ता क्या है वो माँ बताती हैं सावित्री की तपस्या में। पहले तो वो मार्ग खोलती हैं चैत्य सत्ता को, जैसा हम लोगों ने सुना प्राप्त करने का, और उसके प्रभाव से जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारे सारे चेतना के केंद्र हैं, ऊर्जा के केंद्र हैं, वो सारे खुलते हैं ऊपर से नीचे। ट्रेडिशनल कुंडलिनी योग में वो नीचे से ऊपर की ओर जागृत होते हैं और यहाँ ऊपर से नीचे खुलते चले जाते हैं। जैसे जैसे वो खुलते चले जाते हैं उसमें असीम ऊर्जा और दिव्यता की संभावना जो उसमें छिपी हुई है वो स्पष्ट होने लगती है। साधारणतः ये केंद्र बंद रहते हैं, उतनी ऊर्जा हम लोग को मिलती है जितना दैनिक जीवन में हमको चाहिए, क्योंकि हम जाएंगे अगर राजा से और राजा से कहेंगे, राजा कहेगा क्या मांगना है, हम बोलेंगे मेरा बेटा का एडमिशन होने वाला है, थोड़ा उसका फॉर्म भरा है मैंने, उसमें 20,000 रुपया चाहिए, तो राजा बोलेगा इसके लिए मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, कोषाध्यक्ष से ले लो। पर अगर आप राजा के पास जाएंगे और आप ये बोलेंगे कि आपको देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्या गुण हैं आपके अंदर, ये गुण मैं अपने अंदर प्राप्त करना चाहता हूँ, तो राजा बोलेगा ये तो तुमने बहुत कठिन चुनाव किया, लेकिन मेरे अंदर जो गुण है प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ रहो, देखो मुझे मैं कैसे उठता हूँ बैठता हूँ क्या करता हूँ, तो तुम्हारे अंदर ये गुण प्रकट होंगे। तो डिवाइनाइजेशन का अर्थ ये है, हम अभी तक भगवान के पास जाकर ये दे दो वो दे दो, तो फिर कुंडलिनी जो शक्ति है हमारे अंदर अनंत ऊर्जा वो छिपी हुई है, बंद है, वो जो भगवान के कोषाध्यक्ष हम लोगों को दे देते हैं चलो तुम्हारा डेली लाइफ के लिए, लेकिन जब हम ये एस्पिरेशन जगाते हैं कि हम इस धरती पर केवल व्यक्तिगत नहीं मोक्ष भी नहीं, इस धरती पर भगवान का राज्य स्थापित हो, डिविनाइजेशन हो, तो फिर वो ऊर्जा का स्रोत धीरे धीरे करके इस ताप के कारण खुलता है। तप का अर्थ ही यही है, तप, उससे एक शब्द आता है ताप। जब हम किसी भी ऊर्जा को, एक दिन हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि हम लोग, माँ कहती हैं आधा घंटा, एक दिन बहुत बड़ी बात है, आधा घंटा हम कुछ ना बोलें, देखिए ताप पैदा होगा अपने अंदर, हमारी सारी भावनाएं एक दिशा में जाएं, ताप पैदा होगा, दैट इज तपस्या। हमारे सारे संकल्प एक दिशा में चले जाएं, एक लक्ष्य एक टारगेट पर चले जाएं, जैसे अर्जुन केवल आंख देख रहा है, तो दैट इज तपस्या। ताप हमारे अंदर पैदा होता है, वो ताप में दो चीजें हैं किसी भी ताप में, प्रकाश और ऊर्जा। तो जब हम तप करते हैं जुड़ करके डिवाइन मदर से, तप वो करती हैं, लेकिन जब हम उनको कंसेंट देते हैं जुड़ते हैं तो हमारे अंदर भी प्रकाश और भगवान की शक्ति स्वतः ही जागृत होती है, क्योंकि ये ताप का ही प्रोसेस है, और अंत में ताप की न्यू क्रिएशन जन्म लेता है। जैसे मुर्गी एक अंडे पर बैठी रहती है, वो एक तपस्या है, वो जाएगी नहीं बैठी रहेगी, और ताप से धीरे धीरे अंदर में चूजा तैयार होता है, फिर एक दिन आता है जब चूजा निकल जाता है, दैट इज अ सिंबल ऑफ न्यू क्रिएशन। तो इसी कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंटो है और बहुत जगह इसकी बात भी हुई है चर्चा भी हुई है, तो मैं केवल एक पैसेज मुख्यतः पढ़ूंगा जो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करें, ये बहुत अच्छी बात है लेकिन हमारे लिए क्या प्रोग्राम है, हम लोग कैसे इस योग में जुड़ें, योग तो माँ करेंगी, हमको सहयोग देना है। तो सावित्री को इसमें एक प्रोग्राम मिलता है कि ये करना है, ये करने से आप मृत्यु पर विजय पाओगे, मृत्यु पर विजय यानी अचित अंधकार मिथ्यात्व इनकी शक्तियों पर विजय पाओगे, और यही विजय कालांतर में जड़ तत्व के अंदर से भी अंधकार को पूरा निकाल देगी और जड़ तत्व भी प्रकाशवान हो जाएगा। वो एक फ्यू हंड्रेड इयर्स की चीज है, पर प्रोसेस ये है, सेम प्रोसेस है। तो ये हम लोगों के लिए एक टेक होम पॉइंट है जिसको हमको, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पैसे जिसको लगा करके रख के, केवल लगा के रखना नहीं है, चिंतन मनन निधिध्यासन उस पर प्रयास, चलने का प्रयास, थोड़ा भी स्वल्पमस्य धर्मस्य, वो हमको बहुत आगे ले जाएगा। तो ये हमारा एजेंडा होना चाहिए,
यानी सावित्री की तपस्या से अगर हमें जुड़ना है तो हमारे जीवन का एजेंडा बदलना है। अभी हमारा एजेंडा कुछ और है, जब हम देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि भगवान का एजेंडा हमारे अंदर क्या है, उसको हमको पढ़ना है। तो पहला जो कमांड मिलता है ये पेज 476, बाद में हम लोग जाकर इसको पढ़ सकते हैं, 476। द वॉइस रिप्लाई, सावित्री पूछती है अपनी ही उच्चतर चेतना, उच्चतम सेल्फ से, विच इज द डिवाइन मदर हरसेल्फ, कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ कार्य करने आई हूं लेकिन मैं क्या करूं। ये अक्सर हम लोग पूछते हैं ना, कंफ्यूजन, हम क्या करें, हम क्या करें, हम माता जी का कार्य करना चाहते हैं, हम क्या करें। हम सोचते हैं कि कार्य करना मतलब बाहर से किसी चीज से जुड़ जाएं, ठीक है, वो भी एक तैयारी है, हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वो कार्य है, रियल कार्य क्या है। द वॉइस रिप्लाई, रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट। और सच ये कि इस आधे फ्रेज को अगर हम याद कर लें, अपने अंदर बिठा दें, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। केवल इतना स्मरण रखना कि हम जीवन में क्यों आए हैं, वाई दाउ केमिस्ट, क्या वास्तव में हम यहाँ अपने अहंकार की तुष्टि कराने आए हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाने आए हैं, मर्सिडीज कार लेने आए हैं, लोगों की आंखों में अपना नाम, क्या हम केवल एक विजिटिंग कार्ड बन के रह जाने के लिए आए हैं, या एक फोटो बन के लिए आए हैं जिस पर कुछ दिन लोग माला चढ़ाएंगे, बाद में लोग पूछेंगे कौन है, किसका फोटो है या लोग प्लाक लगाते हैं ना कि फला फला के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ, वो कर कहाँ चला गया, कमल कहाँ चला गया और नाम कहाँ चला गया। क्या सच में हम इसके लिए आए हैं? ये क्रूडनेस है, इसके लिए नहीं आए हैं। देखिए नदी का वेग क्यों होता है, नदी को पता होता है कि वो कहाँ से निकली और कहाँ जाना है, तो मार्ग में कोई भी बाधा, हम लोग बाधाओं में उलझ जाते हैं। अगर पांडिचेरी जा रहे हैं और आपको ट्रेन लेनी है और रास्ते में कोई मिलेगा और बोलेगा भैया आज पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, पद्मावती देख करके जाओ, तो आप मानेंगे? आप बोलेंगे नहीं, अभी मेरी ट्रेन है, मैं तो ट्रेन में चढ़ने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य है वहाँ जाना। रिमेंबर वाई द अल्केमिस्ट। और अगर हम भूल जाते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है देख लेते हैं, फिर क्यों आए थे हम, भूल गए। एक स्टोरी बड़ी सुंदर, नारद, इसमें नारद जी भी आते हैं, नारद जी कृष्ण जी के साथ जा रहे हैं रास्ते में और नारद कहते हैं कि भगवान आपकी माया क्या होती है जरा हमको बताओ, आप तो डायरेक्ट हो मेरे पास। तो भगवान ने कहा देखो लेक्चर उक्चर तो मैं देता नहीं हूँ, लेक्चर देने का काम हमारे जैसे मूर्ख लोग पर छोड़ रखा है, मैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताओ, तो कहते हैं बाद में बताऊंगा, पहले तू मेरे लिए थोड़ा जल लेकर के आ जाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर कुछ बोलूंगा भी तो मुझे गला तो अपना थोड़ा गीला करना है। तो नारद बोले ठीक है। तो नारद जी जाते हैं पानी लेने, तो वहाँ पर एक महिला, सुंदर महिला पानी पिला रही है और नारद मुनि देखते जा रहे हैं कि अरे इतना अप्रतिम सौंदर्य और इतना मृदुभाषी, संसार में ऐसे लोग भी होते हैं। तो पानी पी करके वो उसको धन्यवाद देते हैं, तो कहती है ऋषिवर पास में मेरी कुटिया है, आप आके थोड़ा विश्राम कर लें। तो चले जाते हैं और विश्राम करते हैं, फिर वो कहती है ठहरिए आप जाने के पहले मैंने सुंदर भोजन भी बनाया है। भोजन इतने में उसके पति आ जाते हैं, उनके पिता आ जाते हैं, ये दोनों पर लागू होता है, ये कोई ये नहीं कि दारी। तो वो पिता आ जाते हैं, पिता कहते हैं देखिए आपसे योग्य वर और कौन हो सकता है, ये तो डिवाइन ग्रेस है कि आप आए हैं, तो अगर आप सम्मति दें तो दोनों का विवाह हो जाए, बहुत अच्छी बात है। विवाह हो जाता है, चार बच्चे हो जाते हैं, सब हो जाता है, 12 साल हो जाते हैं। तो 12 साल बाद एक दिन एक विपदा आती है, आग लग जाती है, घर स्वाहा हो जाता है, चारों बच्चों की मृत्यु हो जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उस रात नारद को नींद नहीं आती है और पास में कोई साइकेट्रिस्ट भी नहीं है जो दवाई दे दे। वो सारे रात रो रहे हैं, कितने क्रूएल हो तुम, क्रूर हो, कौन कहता है तुम भगवान हो, किस जीवन में मुझे डाल दिया, नरक बना के डाल दिया, ये सब डाल दिया। ये अवस्था में भगवान को जब गाली गलौज कर रहे हैं तो अंदर आवाज आती है, नारद मुझे तो प्यास लगी है, पहले पानी पिलाओ फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। प्यास? ओह मैं तो पानी लाने आया था, भाग करके प्रभु कहाँ हो, ये सब क्या था? उन्होंने कहा प्रैक्टिकल था। ये प्रैक्टिकल था। अब रियलिटी क्या है ये मैं बताता हूँ।
रिमेंबर वाई दाउ के नेस्ट, जीवन में सब कुछ है, वाइफ है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, माता पिता सब है, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हम उनके लिए हैं तो हम खुद भी मोह में ग्रस्त हो रहे हैं और उनको भी फांस रहे हैं। यदि हम ये याद रखें कि हम भगवान के लिए हैं, हम सबके साथ मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हैं हम भगवान के लिए। माताजी बड़े सुंदर ढंग से एक बार दिलीप कुमार रॉय को कहती हैं, वी आर नॉट हियर टू प्लीज अवर सेल्व्स, वी आर नॉट हियर टू प्लीज अदर्स, वी आर हियर टू प्लीज द डिवाइन। एक बात रिमेंबर वाई दाउ केमेस, बस इतना याद रखना है, बहुत सिंपल है। बुल्ले शाह एक बार गए अपना लेने के लिए ज्ञान एक गुरु जी से, तो स्वयं प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट थे और लोग बोलते थे आप कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, कहते नहीं नहीं मुझे इस्लाम के फ्रेमवर्क में ट्रूथ नहीं मिल रहा है। तो गए वहाँ पर, तो गुरु जी ने बोला क्या चाहिए, बोले ट्रूथ। वो किसान थे, कहते ट्रूथ बहुत सिंपल है, इधर से उठाओ उधर रखो, एक उन्होंने निकाला कुछ उधर रख दिया, बोले क्या रखो, बोले ध्यान, रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट, इधर से उठाओ उधर रखो। दूसरा, फाइंड आउट दाई सोल, रिकवर दाई हिट सेल, छिपा हुआ है कहाँ, छिपा है किससे, क्या है वेल। माँ कहती हैं मल्टीपल अटैचमेंट, डिजायर्स, प्रेफरेंसेस। भगवान क्रूएल नहीं है कि हम लोग को कहते हैं अपने डिजायर्स को हटा दो, अटैचमेंट हटा दो, हम लोग कहते हैं फिर जीवन में क्या रहेगा रस। वास्तव में जब ये प्लेजर और ये जो चले जाते हैं तो डिलाइट, अमृत कलश मिलता है, वो शुरू में नहीं बताते हैं, शुरू में ही बताते हैं लेकिन हम लोग को श्योर नहीं होता है, हम लोग चाहते हैं ये भी थोड़ा पकड़ा रहे, वो भी जब मिलेगा तब देखेंगे, लेकिन ये तो उल्टा है, यही तो सागर मंथन की स्टोरी है। आपको आप ऐसे नहीं कर सकते, डबल गेम नहीं खेल सकते, भगवान के साथ जगलिंग नहीं अलाउड है। तो वो कहते हैं रिकवर दाई हिट सेल्फ, कहाँ छिपा है, वो सावित्री में हम देखते हैं बाद में, जिसका हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, एंट्री इन टू इनर कंट्री, सारे कहाँ कहाँ छिपा हुआ है वो, मेंटल आइडियाज, ओपिनियंस, प्रेफरेंसेज, वाइटल एम्बिशंस, ये सब के पीछे है। और अभी ये सब हमको जब हम अंदर घुसते हैं तो ये सब मेरे पास आओ मेरे पास आओ, एम्बिशन बोलेगा तुम भगवान के बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट हो, केंद्र में तुम चेयरमैन हो, अच्छा मैं चेयरमैन हूँ, भगवान डजंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ये सब वो पूछता नहीं है आपने क्या किया क्या, ये सब वो अंदर में जानते हैं कि कौन कितना जुड़ा है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू द डिवाइन, नथिंग एल्स। रिकवर दाई हिट सेल्फ इन साइलेंस, सीक गॉड्स मीनिंग इन दाई डेप्थ्स। एक अर्थ हमको जन्म के साथ माता पिता समाज देता है, तुम्हारा ये सरनेम है, तुम इस जाति के हो, इस वर्ण के हो, इस संप्रदाय के हो, इस धर्म के हो, एक मिथ्या पहचान, सारे जीवन उस मिथ्या पहचान को बचाने के लिए हम लग जाते हैं। लेकिन एक दूसरा पहचान है गॉड्स मीनिंग, भगवान का हमारे अंदर क्या प्रयोजन है, कैसे मिलेगा, इन साइलेंस, जब हमारे पास थोड़े क्षण मिलते हैं तो हमको चुप बैठकर खोजना चाहिए, माँ आप क्या चाहती हो मेरे से, मेरे पिताजी तो ये चाहते हैं, मम्मी ये चाहती है, भैया ये चाहते हैं, वाइफ ये चाहती है, हस्बैंड ये चाहता है, आप क्या चाहती हो माँ, तो फिर माँ हमें इंडिकेशन देगी। देन मॉर्टल नेचर चेंज टू द डिवाइन, तब वो द्वार खुलता है जिस पथ से चलना है। ओपन गॉड्स डोर, एंटर इन टू हिज ट्रांस। डोर खोलने के लिए माँ बड़े सुंदर एक उदाहरण देती हैं, मेथड्स देती हैं। एक कहती हैं ऐसे कल्पना करो कि आप एक ब्रॉन्ज ताम्र का द्वार, वहाँ पर आप बैठे हो, आपके पास चाबी नहीं है, खोलना चाह रहे हो, नहीं खुल रहा है, आप धक्का दे रहे हो तो उस पर कोई असर भी नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए उस पर ठक ठक, रोज बैठ करके थोड़ा देर ध्यान, बहुत लोग दो महीने बाद तीन महीने बाद, कुछ होता नहीं है, नहीं होगा, वो ऐसे साधारण द्वार नहीं है, वो द्वार इतना आसानी से नहीं खुलता है, लेकिन ठक ठक से क्या हो रहा है, भगवान क्यों इतना देर लगा रहे, क्योंकि वो हमको जो द्वार खुलेगा और जो तेज पुंज बाहर आएगा उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, जल जाएंगे। बड़ी सुंदर मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी पुश, तो कहानी में क्या है, एक व्यक्ति एक मार्ग में जा रहा है, एक बाधा आ जाती है, एक बड़ी सी चट्टान,
कहता है मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं तो पर्वत चढ़ना चाह रहा हूं। तो उसको आवाज सुनाई देती है दिव्यवाणी। दिव्यवाणी ऐसे आराम से नहीं सुनी, दिव्यवाणी हर चीज को दिव्यवाणी नहीं समझना चाहिए, लेकिन एक एक स्टोरी के लिए है। तो वो दिव्यवाणी सुनाई देती है चट्टान को धक्का लगाओ। हाँ आप ये चाहते हो मेरे से, तब तो मैं जरूर लगाऊंगा। धक्का लगाते कुछ नहीं होता है। कहते अभी क्या करूं, कहते और धक्का लगाओ, और धक्का लगाता। ऐसे करते करते रोज कर रहा है बेचारा, रोज वाणी कहती है धक्का लगाओ। अंत में वो थक के बैठता है, ये दिव्य वाणी भी गलत है, कोई भगवान भगवान नहीं है, ये सब मुझे मूर्ख बन रहा हूं मैं। तो बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है तो एक आदमी आता है, कहते क्या कर रहे हो, कहते मैं धक्का लगा रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। अरे मूर्ख, धक्का लगाने की क्या जरूरत है, इधर से रास्ता है। तो उसको उधर से ले जाता है। तो भगवान से कहता है ये आप मुझे करा क्या रहे थे, ये रास्ता तो आपको भी पता होगा। तो भगवान कहते जरा देख अपनी मसल्स को। दिखता है, कहता है हाँ ये तो डेवलप हो गई है। कहते तू पहाड़ पर चढ़ेगा और बिना डेवलप किए हुए चढ़ेगा, ये तो मैं तेरे को ट्रेनिंग करा रहा था। किसने, मैंने कभी बोला धक्का लगाने से चट्टान चली जाएगी, मैंने तो बोला नहीं ना। आपने बोला तो नहीं था, आपने तो केवल धक्का लगाने बोला था। मैंने ये भी बोला था निष्काम कर्म कर, हाँ मैं तो भूल गया था। तो ये तो मैं तुमको एक्सरसाइज करा रहा था कि जब तुम एक्चुअल पहाड़ पे चढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हारे अर्जुन की तरह गात शिथिल ना पड़ जाए, तुम कमजोर होकर के कांपने नहीं लगो, क्योंकि वो तुम्हारी जो अभिप्सा लेके चले वो साधारण नहीं है। तो रोज बैठ करके हमको धक्का लगाना है ताम्र द्वार पे। माँ द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो। एक दिन आएगा जब माँ कहती है परसिस्टेंस ऑफ योर एफर्ट्स, ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ योर एफर्ट्स एन इनर डोर विल ओपन एंड यू विल बी फ्लडेड इन ए डार्जलिंग लाइफ, यू विल बिकम कॉन्शियस ऑफ योर इमोर्टेलिटी, यू विल वॉक मास्टर ओवर फेट। जब एक दिन ये हो जाता है तब आप फेट के गुलाम नहीं होते हो, मास्टर होते हो, वो सारी शक्तियाँ यील्ड कर देती हैं। तो ओपन गॉड्स डोर, एंटर इन टू हिज ट्रांस। जब हम वहाँ प्रवेश करते हैं तो निस्तब्धता होती है, हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग को बिना नॉइज के पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आप देखेंगे कभी कभी लोगों ने एक बार पूछा भी था, कहा था देखो फला गुरु जी आते हैं, यहाँ आते हैं, इतना पोस्टर लगता है, आश्रम से लोग आते हैं कुछ वो नहीं। कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ खूब लाउड शोर है, जहाँ बहुत नॉइज है, वहाँ केवल स्वामी जी होंगे, भगवान नहीं होगा। और जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, निस्तब्धता है, वहाँ भगवान की उपस्थिति होगी। ओपन गॉड्स डोर, एंटर इन टू हिज ट्रांस, तब हम निस्तब्धता में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, कास्ट थॉट फ्रॉम दी दैट निम्बल एप ऑफ लाइट। एप ऑफ लाइट जो इमिटेट करता है हमारा थॉट, रीजनिंग, तर्क, जिस पर इंसान को बहुत गर्व है, मैं रीजनिंग द्वारा सब जान सकता हूँ। ऐसे ही हनुमान जी को एक बार हो गया था, तो उन्होंने देखा कि दो राजकुमार आ रहे हैं। सुग्रीव ने कहा देखो देखो ये बाली का भेजा हुआ दूत तो नहीं है, तो वहाँ चले गए, बहुत जांच पड़ताल करते रहे। बाद में पता चला ये तो अयोध्या के राजकुमार राम जी हैं। तो पाँव पे गिर पड़े, कहते हैं आप तो मेरे आराध्य हैं। तो राम जी मुस्कुरा रहे हैं, तो हनुमान कहते हैं मैं तो मूर्ख वानर हूँ, मैं तो आपसे इतना जांच पड़ताल कर रहा था, आप तो जानते हैं मुझे कि मैं आपका भक्त हूँ, इतना टाइम क्यों लगाया आपने बताने में। कहते तुम इतना लंबा रास्ता से आना चाह रहे थे, CBI की तरह जांच पड़ताल कर रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है तुम जिस कंडीशन में खेलोगे मैं उस कंडीशन से खेलूंगा। अगर हम सोचेंगे कि हम रीजन और एनालिसिस से भगवान को पकड़ना चाहते हैं तो बोलेंगे आओ आओ और आगे आओ और आगे आओ और आगे आओ। एक टाइम आएगा जब रीजन स्तब्ध होकर चुप हो जाएगा, कहेगा कि ये तो पार नहीं पा रहे, अपरम पार है, ये तो समझ नहीं आ रहा। तब भगवान बोलेंगे समझ नहीं आ रहा ना, नहीं अब मैं समझाऊंगा। कास्ट थॉट फ्रॉम दी दैट निम्बल एप ऑफ लाइट। विचारों को भी इंस्ट्रूमेंट बनाना है, विचार के माध्यम से, मन से हम भगवान को नहीं पाएंगे, परंतु मन भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। दैट कम्स लेटर। यहां पर है कि थॉट इन हिज ट्रेमेंडस हश टिलिंग दाई ब्रेन हिज वास्ट ट्रूथ वेक विद इन एंड नो एंड सी। ट्रेमेंडस हश टिलिंग दाई ब्रेन,
रोज थोड़ी देर बैठकर अभ्यास करना चाहिए। माँ की शांति हमारे मन प्राण शरीर को शांत करे, शांति, पीस पीस पीस। क्यों, क्या होगा उससे? तब हमको अंतर्भास और जो प्रकाश जागृत होगा उसमें ट्रुथ दिखाई देगा। माता जी एक जगह बताती हैं कि उन्होंने आश्रम में देखा होगा लोगों ने, जब शेयरविंद के रूम में जाते हैं, लिखा है उन्होंने क्लिंग टू ट्रुथ, जब वापस आते हैं तो भी रिमाइंडर है क्लिंग टू ट्रुथ। तो एक बार माता जी से किसी ने कहा, माँ क्लिंग टू ट्रुथ आपने लिखा है लेकिन फला फला व्यक्ति ट्रुथ के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो माँ ने कहा, हाँ वो, लेकिन वो ये कहता है कि तुम ट्रुथ के हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो कहाँ है ट्रुथ? तो उसने कहा, हाउ टू नो ट्रुथ? माँ कहती है, यू कैन नॉट डिफाइन ट्रुथ। आप अगर डिफाइन करोगे ये ट्रुथ है ये ट्रुथ नहीं है तो आप उलझ जाओगे। लेकिन ट्रुथ रिवील करता है स्वयं को उन सब को जो उसको जानने के लिए अभिप्सा करते हैं। वो मोमेंट टू मोमेंट आपको रिवील करेगा, इट्स ए रिवेलेशन। इसको आप शब्द के जाल में नहीं बांध सकते, ये सच है ये सच नहीं है, शुड नॉट डू दैट। सो वेट अपॉन इट, वेट अपॉन दैट लाइट टू डॉन। और यहाँ पर है कि जब हम जैसे जैसे हमारा मन प्राण शांत होता है तो सत्य स्वयं को प्रकट करता है, रिवील करता है। कास्ट फ्रॉम दी सेंस दैट वेज दाई स्पिरिट साइड। सेंस क्या बताती है? सब भिन्न भिन्न। हम लोग नॉर्मली कहते हैं जो देखा वो सच, जो सुना जो सच, नहीं, विज्ञान भी बताता है वो सच नहीं है। सच नहीं जान सकते देख के, सुन के, सुन के बिल्कुल नहीं, देख के भी नहीं। तो सच क्या है? जो देखकर सुनकर जो नाना प्रकार की हमारे अंदर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, आघात हो रहे हैं, संघात हो रहे हैं, उन सबको शांत करना है, वेट। तो सेंस को जब हम क्वाइट कर देते हैं, इनके सारे संज्ञाओं से जो आघात हमारे अंदर होते हैं, संघात होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, अरे उसने मुझे ये कहा, ये क्या है? प्रतिक्रिया है। अरे देखा उसको, ये प्रतिक्रिया है। तो जब हम इन सबको शांत करते हैं सेंस के हिसाब से नहीं, तब हमारे सामने दिव्य तत्व प्रकट होता है सबके अंदर। एक, वी स्टार्ट लिविंग इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द वन। इन द एनॉर्मस एम्प्टीनेस ऑफ दाई माइंड दाउ शैल सी द इटर्नल्स बॉडी इन द वर्ल्ड। जब सब ये खाली हो जाता है तब हम क्या देखते हैं? सर्वभुवन में एक ही तो हैं। हम क्या सोच रहे थे कि ये फला है, वो दूसरा है, ये ढिमका है, ये तो, अरे ऐसे हम देख रहे थे। एक बार माता जी कहती हैं किसी को, माई चाइल्ड इट इज नॉट यू थिंक लाइक दिस बॉडी दैट बॉडी, ऑल इज वन बॉडी। इसीलिए माँ जो करती हैं अपने अंदर, हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। वाई? बिकॉज शी लिव्स इन द कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल इज वन बॉडी। एक ही देह है। नलिदा ने किसी को उसके बर्थडे पर, उनके बर्थडे पर कहा योर बॉडी हर बॉडी दिस बॉडी दैट बॉडी आर ऑल वन बॉडी। डिवाइन मदर की बॉडी। हम जिस दिन इस भाव से जिएंगे तो देह का कैसे हम डील करेंगे? क्या हम इसको एकदम देह दृष्टि से उसको तिरस्कृत करेंगे देह को? नहीं। दिस इज ऑल्सो मदर्स फर्स्ट टेम्पल। माँ विद्यमान है इसमें, हमको इसलिए उसका ध्यान रखना है। नो हिम इन एवरी वॉइस हर्ड बाय दाई सोल इन द वर्ल्ड्स कॉन्टैक्ट्स मीट हिज सिंगल टच। नो हिम इन एवरी वॉइस हर्ड बाय दाई सोल। हम कान से सुनते हैं इसलिए भ्रमित होते हैं, आत्मा से सुनेंगे तो छोटा बच्चा भी अगर कुछ बोलेगा तो हमको सुनाई देगा भगवान बोल रहे हैं। देखो वैसे बच्चे बहुत समझदार हैं, सबसे पहला शब्द जो बच्चे इवन गाय का बच्चा बोलता है वो है माँ, बाद में भूल के इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बच्चे की वाणी में भी हमको, किसी पागल की वाणी में भी हमको सत्य का दर्शन होगा। एवरी वॉइस हर्ड बाय द सोल, सोल मस्ट हियर इट एंड इन द वर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स मीट हिज सिंगल टच। नाना प्रकार के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अच्छे बुरे, जिसको हम लोग मन उनको ड्यूअलिटीज, यहाँ सब ड्यूअलिटी से वननेस की ओर ले जा रहे हैं शेयर में। ये अच्छा है ये बुरा है, एक अवस्था है जिसमें शेरविन कहते हैं जब उनको बिच्छू ने काटा था, कलकत्ता की बात है, तो वो देख करके उसको पूरा डिलाइट में चेंज कर देते हैं।
उसको वो अपनी एक कविता है परब्रह्मन, उसमें वो लिखते भी हैं, ही स्टंग हिमसेल्फ विद ब्लिस एंड कॉल्ड इट पेन, क्योंकि वो इतना तीक्ष्ण है कि देह उसको समझ नहीं पाता, लेकिन एवरी कॉन्टैक्ट एसेंशियली इज ए कॉन्टैक्ट ऑफ डिलाइट, ऑफ वननेस विद डिलाइट इन मल्टीप्लिसिटी. और कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं, हम नहीं अनुभव कर पाते क्योंकि सीमित चेतना है. ऑल थिंग्स शैल फोल्ड दी इन टू हिज एम्ब्रेस, सब कुछ तो उन्हीं का आलिंगन है. ये संसार क्या है, बड़े सुंदर ढंग से किसी ने कहा है, संसार क्या है, घूंघट है, उसका मुख एक ज्योत है, घूंघट ही है संसार, घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डाल. संसार क्या है, माँ का आंचल है और कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड उनका आंचल है. ये भाव में हमको जीना है तो हमारा संबंध बदल जाएगा. अभी हम ये छल है, ये माँ का आंचल है, और उसमें जब हम जीते हैं, जीने लगते हैं, तो विविध रूप से उनका आनंद प्राप्त करते हैं. ये घर वो घर सब उनके घर हो जाते हैं. कॉन्कर thy heart's throbs, लेट thy हार्ट बीट इन गॉड. हमारा दिल तो बहुत चीजों से धड़कता है. अरे कोई आ रहा है जो हमारा बहुत, जिससे मिलने की इच्छा है, हृदय धड़कना शुरू हो जाता है. हमारे हमको जो प्रिय है वो मिठाई आ रही है, दिल धड़क रहा है कब आएगी वो मिठाई. तो उसको शांत करना है. इट शुड बीट इन गॉड. जब ये प्रेम जुड़ जाता है माँ से, तो जीवन के सभी संबंध मधुर हो जाते हैं, क्योंकि सब संबंधों के पीछे हम वास्तव में भगवान से संबंध जोड़ते हैं. जब यज्ञवल्क से किसी ने पूछा था, और ये बात सिंथेसिस ऑफ योग में शेरविन बताते हैं, कि व्यक्ति विवाह करता है, बच्चे होते हैं, किस लिए? तो यज्ञवल्क कहते हैं, हे मैत्री, वन लव्स द वाइफ नॉट फॉर द सेक ऑफ द वाइफ बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ. One loves the child not for the sake of the child but for the sake of the self. One loves the country not for the sake of the country but for the sake of the self. अगर हमारा ego self है तो हमारा प्यार भी egoistic होगा. यानी हम लोग देखेंगे उससे हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है. ऐसे लोग हैं ना जो राष्ट्रभक्त कहते हैं स्वयं को, और कहते हैं हमको क्या मिलेगा, बजट में हमारा क्या फ़ायदा होगा. लेकिन दूसरे लोग होते हैं जो आत्मतत्व से देखते हैं. ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि हमारा व्यक्तिगत लाभ क्या हो, देश अपने मूल तत्व को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है. तो दैट इज द डिफरेंस. टू लव गॉड इन ऑल थिंग्स एंड ऑल बीइंग्स, थाई नेचर शैल बी द इंजन ऑफ हिज वर्क्स. तब ये हमारा जो पुराना मॉडल की गाड़ी है वो चेंज होगी और नया इंजन फिट होगा और नया गाड़ी हम लोगों को मिलेगी. हम लोग सीधा चाहते हैं कि गाड़ी का बाहर का चीज बदल जाए, क्योंकि यही हम लोग करते आए हैं. हम लोग बाहर बदलते जाते हैं, पेंटिंग डेंटिंग सब ठीक कराते रहते हैं. इंजन तो चेंज विद, नया गाड़ी खरीद लो. पर शेयरबिन तो नया सॉफ्टवेयर, नया इंजन सब डाल रहे हैं. तो वो चेंज करना है, तब हम भगवान के यंत्र बनने के योग्य होते हैं. वरना तो हम ईगो के लिए जीवन चल रहा है. Thy voice shall house the mightiness of his word. जो व्यक्ति इस तरह से जीता है उसकी वाणी वास्तव में भगवान की वाणी हो जाती है, एक हो जाती है. उसके कर्म भगवान के कर्म हो जाते हैं. विजेंद्र लाल रॉय का भजन है ना, तुम्हार कर्म हो तुम ही करो माँ, लोके बोले कौरियानी सकल तुम्हारी इच्छा. सब तो तुम ही कर रही हो. उसको ये समझ ही नहीं आता है कि लोग क्यों बोल रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ. जो है नहीं वो कैसे कर सकता है, जो मैं बचा नहीं वो कर कैसे सकता है, और जो कर रहा है वो दिखाई नहीं देता. देन You shall house the mightiness of his word. भगवान का स्पंदन, भगवान का वाइब्रेशन वाणी के द्वारा तब संसार में प्रक्षिप्त होता है. लास्ट में, then shalt thou harbor my foes and conquer death. ये सारे स्टेप्स अगर हम करें तो अंत में हमारे अंदर भी वो दिव्य शक्ति जागृत होती है, जो मृत्यु भी अगर सामने खड़ी हो तो कह सकती है छोड़ो छोड़ो, उनको तुमसे कुछ लेना देना नहीं. मृत्यु भी आजकल अपडेट हो गई है, पहले वो भैंसा पर आती थी, आजकल कार ट्रक में आती है, नया नया रूप ले लिया है.
लेकिन कैसे भी आए, माँ कहती है यदि तुम इस भाव में रहोगे तो टेररिस्ट अगर गन लेकर तुमको मारना चाह रहा है तो तुमको मार नहीं सकेगा अगर तुम उसके अंदर देख पाओगे दिव्यता को। प्रहलाद की स्टोरी पर उन्होंने कहा इट इज ट्रू इफ यू सी द वन एवरीवेयर यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, मृत्यु नहीं आ सकती। यानी जब हम चाहेंगे कि नहीं अब हम चेंज करना चाहते हैं तो भगवान अपने दूत को भेजेंगे, माता जी का एक एंजल है, ईगल है, उसको भेजती हैं ले आओ मेरे बच्चा मेरे पास आना चाह रहा है। तो इतना ही, तब मृत्यु नहीं होती। जो माता जी के बच्चे हैं वो मृत्यु से उनको कोई लेना देना नहीं है, उसको शब्द भी हमारे वोकैबुलरी में नहीं आना चाहिए, वो बहुत पीछे छूट गया है। जिनको उनसे संबंध जो उससे भयभीत हैं संबंध जोड़ा, हम लोगों ने माँ से संबंध जोड़ा है, जब समय आएगा स्वयं जगत जननी माँ आएंगी, कहेंगी बच्चा चल थोड़ा तुझे घुमा के लाओ मैं, तो ये नहीं होगा अरे हम मरने वाले हैं डॉक्टर साहब थोड़ा कुछ करो, तब ये होगा ओ माँ चलो हुर्रा आनंद से, सब आनंद की यात्रा हो जाएगी। सो देन शैल दाउ हार्बर माई फोर्स एंड कॉन्कर डेथ। लास्ट में क्योंकि जैसा मैंने कहा ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट क्योंकि एक बार उसमें जाएंगे तो अंत नहीं होगा। बड़ा सुंदर वर्णन है एक 7-8 लाइन का कि फिर सावित्री क्या करती हैं। ये तो उनको कमांड मिलता है जो करना है, लेकिन अवस्था योग, जो योग के लिए हम लोग ये करो वो करो, लेकिन हमारी अंदर की अवस्था स्थिति क्या होनी चाहिए। देन सावित्री बाय हर डूम्ड हस्बैंड सैट Still rigid in her golden motionless pose, a statue of the fire of the inner sun. क्या अवस्था है, मृत्यु, हस्बैंड दिख रहा है कि ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। अगर हम लोगों को पता चले तो हम लोग डेस्परेटली ट्राई करेंगे कौन डॉक्टर है सबसे अच्छा, सबसे सस्ते में अच्छा काम करे। बट सावित्री फिर विचलित नहीं होती है, शी सिट्स बाय द साइड ऑफ हर हस्बैंड विद ए फायर इन हर हार्ट। कहाँ है मृत्यु, मैं मिलूंगी उससे अपने हृदय की अग्नि से। इन द ब्लैक नाइट द रात ऑफ स्टॉर्म स्वेप्ट बाय द थंडर क्रैश्ड अबव हर द रेन हिस्ट इट्स मिलियन फुटस्टेप्स पैटर्ड ऑन द रूफ। फिर क्या हो रहा है संसार में, इधर उधर समाज में मोहल्ले में घर में। वाह सुंदर शुरू में ही वर्णन है इसका, लाइफ एंड टाइम, लाइफ एंड डेथ वेयर पासिंग सर्कमस्टांसेस। यही डिफरेंस होता है योगनिष्ठ व्यक्ति में और साधारण जीवन चेतना में। जो योगनिष्ठ होता है वो संकल्प ले लेता है तो फिर वो कुछ भी हो जाए, जीवन मृत्यु काल की गति ये सब आएगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि जीवन में सब अच्छा अच्छा होगा, जिसको कम से कम हम अच्छा समझते हैं, पहले तो हम लोगों की बुद्धि है सीमित है। होगा ऐसी चीज़ें, घटनाएं होंगी, लोग कहेंगे अरे तो माता जी का बच्चा इसके जीवन में ऐसा कैसे हो गया, लेकिन जो योग निष्ठ वो कहेगा ठीक हुआ, माँ ठीक जानती हैं सब चीज़ों से। वो नारद की तरह कहेगा मैं तो भगवान के लिए पानी लेने आया था, उलझ गया था, भगवान ने वो सब मेरे जीवन से हटा दिया जो मेरी दृष्टि को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था। यहाँ पर उसका वर्णन है कि ये सब हो रहा है बाहर के जीवन में, किंतु सावित्री बैठी हैं इम्पैसिव मिड द मूवमेंट एंड द क्राई। श्री अरविंद माता जी कहती हैं शुरू में इतना स्टॉर्म पांडिचेरी में आते थे, एक दिन वो जाती हैं कि इतना तूफान आ रहा है, लॉर्ड तो लॉर्ड हैं, खिड़की खुला होगा, तूफान अंदर आ रहा होगा, मैं जाके बंद कर दूं। माँ प्रवेश करती हैं, देखती हैं सब खिड़कियाँ खुली हैं, बाहर तूफान है, बारिश है भयंकर, लेकिन उनके खिड़की के अंदर एक बूंद अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। और श्री अरविंद क्या कर रहे हैं, वो डेस्क टेबल पर रख करके लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, इम्पैसिव। बाहर तूफान है, अंधकार है, वर्षा है, लेकिन जो उनको करना है वो उसमें है, पूरी तरह मग्न है। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, इसको कैप्चर नहीं किया जा सकता, फोटोग्राफ में भी नहीं और वीडियोग्राफ में भी नहीं। हाउ इज सिटिंग, ये अवस्था होनी चाहिए
एक योगनिष्ठ व्यक्ति की, तपोनिष्ठ व्यक्ति की। होगा, तूफान आएगा, हो सकता है थोड़ी देर के लिए हम बाहर जाएं, पर माँ कहती है उस समय हमको रिवर्स करना चाहिए, अंदर जा करके अंदर जाना चाहिए जब तूफान आए। हम लोग उल्टा करते हैं। माँ कहती है जब कार में जा रहे हैं अचानक सामने से दिखाई देते हैं ना गाड़ी आ रहा है तो हम ओ माई गॉड, माँ कहती ये नहीं करना चाहिए, करोगे तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा है। करना क्या चाहिए, माँ गो इनसाइड एंड इट विल जस्ट पास बाय। और अगर हम ओ क्या होने वाला है तो वो हो जाएगा, वो आ रहा है तुम्हारे पास। ये डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो स्टॉर्म हो रहा है लेकिन इम्पैसिव, वो अंदर में बैठी हुई है। विटनेस ऑफ द थॉट्स ऑफ माइंड, द मूड्स ऑफ लाइफ। अब वो बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कर रहा है, उसमें नहीं उलझी हुई है। इसको बोलते हैं गपशप, गॉसिप, उसमें नहीं उलझी है। वो किस चीज़ को देख रही है, विचार, भावनाएं जो अंदर उठ रही हैं, उनका ओरिजिन क्या है। शी इज बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द ओरिजिन ऑफ थॉट्स, इम्पल्सेस, फीलिंग्स, एक्शंस। शी लुक्ड इनटू हरसेल्फ एंड सॉट फॉर हर सोल। इस अवस्था में सावित्री अपने अंदर अपनी ही चैत्य सत्ता को ढूंढती है। हम लोग यहीं रुकेंगे क्योंकि जैसा मैंने कहा ये पूरा एक वर्कशॉप का विषय है। धन्यवाद।